माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से तमाम नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। उत्तराखंड विधानसभा से आज यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो सकता है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया था। बिल पर तीखी और लंबी चौड़ी बहस हुई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और आज फिर से बिल पर बहस होगी। अगर यह बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इस बीच राजस्थान में भी यूसीसी लाए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में भी जल्द से जल्द यूसीसी लाने की तैयारी की जाएगी। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो महत्वपूर्ण विषय था जिसमें भारत की जनता टिकटिकी लगाए हुए थी, मोदी जी जब से सरकार आई जिस बिल को जो केंद्र सरकार लाना चाहे सबसे पहले उन्होंने की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले नंबर पे उत्तराखंड आ गए तो दूसरे नंबर राजस्थान आए। इसके लिए आप बात करेंगे मुख्यमंत्री जी हमसे ज्यादा एग्रेसिव, हम तो फिर कम है। मुख्यमंत्री जी खुद इसके बहुत ज्यादा पक्षधर है। आपको लगता है कि जो भी मौजूदा सत्र चल रहा है उसमें इस बारे में कोई चर्चा होगी? मौजूदा सत्र के अंदर भी चर्चा करेंगे और हो सकता है इसमें समय कम मिले तो आने वाले जो सत्र आएगा जून जुलाई के अंदर उसके अंदर 100% को लानेंगे। थैंक यू। यानी उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश होने के बाद राजस्थान में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की चर्चा अब जोर पकड़ने लगी है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।